हमारी जो लगे रहते हैं जो कोई क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है तू बोलो? देखो फिर यह कंटिन्यू करते हैं वही सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है बोलो। अच्छा ये वाला का एक्स बाई है वन बाई है, एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या है? तो वन कहते हैं ना, एक्स क्या है? एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर ये होगा है, प्लस है विषय क्या है? ये होगा यही तो क्यूब है या क्या है यहाँ? ये है ना, लगातार है ना, मतलब इस तरह का है, इन्फिनिटी तक है ना, कहाँ तक है? एन टर्म्स तक है बोलो, इन्फिनिटी तक है। देखो भाई क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी लिख दूँ, प्लस एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर सिक्स प्लस टू भी लिख दिया। ठीक कह रहे, तुम्हें पता भी नहीं भाई, ये तो था भाई। देखो अब क्या था, कल ये क्वेश्चन बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर सिक्स अब टू इन्फिनिटी, इधर क्या आ जाएगा? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स अब टू इन्फिनिटी, फिर क्या आ जाएगा? टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू अब टू इन्फिनिटी, या एन टर्म्स है इन्फिनिटी है, एन टर्म्स हो गए क्या हुआ? अच्छा चलो है, टू 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 इन्फिनिटी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ जाएगा? एन टर्म्स ही होगा भाई, ये क्या है तो भाई एन टर्म्स ही होगा, क्योंकि ये टू टू है ना इन्फिनिटी, फिर यहाँ टू एन आ जाएगा, क्या आएगा बाद में? अब तो हो जाएगा फंसी है ना बाद में, टू एन आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा? टू एन आ जाएगा। अरे यहाँ इसका आंसर क्या आएगा? वह एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस, ठीक है आर माइनस वन, ये तो हो जाएगा इन्फिनिटी, उससे निकाल लेना एन टर्म से, क्या निकाल लेना इन्फिनिटी आ जाएगा, ये बता देगा तुम्हें, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं। देखो भाई एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन करते हैं, ये बॉल, ये बॉल इज ड्रॉप ये कौन सा है पीरियड का सीक्वेंस एंड सीरीज का याद है कुछ? पांच है। चलो ए बॉल इज ड्रॉप, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, द हाइट ऑफ 120 मीटर, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 120 मीटर आफ्टर स्ट्राइकिंग ए फ्लोर, आफ्टर स्ट्राइकिंग ए फ्लोर ए बॉल रिबाउंड, ये बॉल 4 by 5 ऑफ द हाइट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप, फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट इज
ट्रेवल्स बिफोर कमिंग रेस्ट। टोटल डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल्स बिफोर कमिंग रेस्ट। बिफोर कमिंग रेस्ट देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन लटके पढ़ो, देखो कोशिश करते हैं समझने की। एक बॉल है, ये जो है 120 मीटर हाइट से गिरी और होने के बाद रिबाउंड स्ट्राइक होने के बाद यहाँ टकराएगी फर्श पे, क्या होगी, एकदम भागने लग जाएगी, क्या होगी, ऊपर जाए, कितनी ऊपर जाएगी ये, फोर अपोमाले ये जाके फिर यहाँ आई, इतनी तो जाएगी या पूरी इतनी जाएगी, कह रहा 4/5 ऑफ 120, ये 4/5 भी है, 5/5 ये जाएगी, फिर कह रहा है वो फिर नीचे आएगी, फिर जाएगी है, फिर थोड़ी भी कम जाएगी या इतनी जाएगी, फिर भी तो फिर कितनी होगी वो, ये कह रहा है यो 4/5 × 4/5 × 120 यानी कि 4/5 का स्क्वायर 20 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जाएगी वो, फिर ये जाएगी, ये अब भी क्या आ जाएगा, अभी नहीं बात, देखो क्या कह रहा है ये, अब ये टोटल डिस्टेंस करनी जब तक कि बिल्कुल क्या होना जा, हाँ यहाँ कुछ होगी तो इनकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। पहले टोटल डिस्टेंस कितनी है, कितनी कवर करेगा ये डिस्टेंस, ये एक तो 120 करी इनने भाई, पहली बार तो 120 करी, फिर 4/5 × 120 करी, फिर 4/5 का होल स्क्वायर 120, फिर 4/5 का क्यूब, फिर 120 करी है भाई। अच्छा ये कितनी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, ए आर स्क्वायर, ये नहीं है, क्या ही सीरीज है, ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, ये ए अपॉन 1 - r, ये कितनी है, आर कितनी है, क्या आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, आई नहीं होगी बात, सुनो बिल्कुल आगे सुनो, दिक्कत तो नहीं है सवाल, अब तो आसान हो गया, और एक सवाल ऐसे ही करते ऐसा घर से बैठ के करी है नहीं, चल भी नहीं आए थे भाई, बारिश हो रही थी, बारिश कहाँ हो रही थी भाई, आज तो धूप हो रही थी, मैं धूप नहीं हो रही आज, अच्छा चलो यहाँ से बात सुनवा गई। हाँ एंड की चाहिए।
देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है सिक्स की अप टू सिक्स की पावर का स्क्वायर एन डिजिट ही रहे, एट 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 स्क्वायर एन डिजिट ही रहे, इक्वल टू प्रूव करना फोर 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 का स्क्वायर इक्वल टू टू एन डिजिट ये करते। अब कुछ आया समझ में थोड़ी बहुत आई क्या आई? ये इस तरह आई, जैसे भाई मान लिया ये था बच्चों को बता देते हैं 324 लिख बैठे, लिख देते एकदम दूसरे ही तो बताया बच्चों को दूसरा काम ये तो होगा या क्या होगा, भाई लिख के दिखा चल 49 एकदम लिख दे ठीक। अब उसके कहते हैं कि भाई इसका उसमें लिख के दिखाओ, इसका प्रसार करो एक्सपेंशन करो, इसका एक्सपेंशन किससे लिख सकते हैं बच्चे ने बताया 1/10 100 ये तो बताया बच्चा, ये नहीं बताता इसको क्या बताता है 4 × 1 2 × 10 3 × 100 ये तो पढ़ा हुआ तुमने भी, ये नहीं पढ़ा था या कुछ और पढ़ा था, तो क्या आएगा ये 3 × 10^2 2 × 10^1 4 × 10^0 अच्छा लिख सकते हो अब भी नहीं बात है जी बुरा के पढ़ू। अब ईओ भी तो ऐसा ही है देख, ये ऐसा ही नहीं है तो क्या आ जाएगा ये 6 × 10 + 6 × 10^2 6 × 10^3 अब टू 60 × 10^n-1 नहीं पास ये लिख नहीं सकता है समझ में नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आई ये तो ये मान लिया 1 + 6 होगा 6 × 10 6 × 10 10 × 1000 10 × 10 10 × 1 क्योंकि एक कम होगा ना यहाँ 6 × 10 0 होगा पहले पर, अब भी नहीं बात है बोल भाई बोल कुछ सोच ले कहाँ 10^2 का माल कितना हो तो यहाँ 100 लिख दे 100 लिख दे एक ही बात है 10 10 1 10 100 ही नहीं लिखेगा देखो ये लेके 1 10 100 ही है नहीं का हैं एंटर अब मैंने नहीं लिखा लास्ट में 8 क्या अच्छा 8 ये ले वो अच्छा 8 अच्छा ठीक ही जाए आज ठीक तो है मैं अच्छा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक के बाद दिक्कत नहीं आएगा वो तो कोई टेक्निकल गलती होगी ठीक है यहाँ तक बोलो। अब तो आगे थे 8 उसकी 8 ज़्यादा परेशान हो गए थे तो मीटो को खुद ही खड़े होकर देते थे तो ठीक है। अब क्या आएगा इसका सम आर कितनी है इसकी 10 आर 10 है या कुछ और है तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला ए आर की पावर एन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ठीक है ये कितना आ जाएगा 6 × 10^(n-1)/9 ये कितना आ जाएगा 2/3 × 10^(n-1) यहाँ तो बात सुना होगी अच्छा इसका एट एट का क्या आ जाएगा यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा अब इसका एट एट का क्या आ जाएगा निकाल ही दिखाइए इसका ऐसा ही सम निकाल सके उसको निकाल सको उसका सम निकाल क्या आएगा इसका 4 8 8 में क्या आएगा 8
एट अप टू एट की पावर ये क्या जाएगा बोलो, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन अपॉन भी आएगा मुझे है एट अपॉन नहीं है ये बोलना नहीं तुमने एट अपॉन नहीं ये तो बोलना चाहिए था ठीक नहीं है आई बात है शाबाश। अच्छा अब क्या है अब इसे फोर फोर में करना है इसका क्या आएगा फोर फोर से देखो लेकिन इसमें कितने डिजिट हैं अब टू एन डिजिट है ध्यान रखना अब करिए इसका क्या आ जाएगा क्या आएगा ये 4 अपॉन 9 10 की पावर 2n माइनस 1 ये तो आ गया दिक्कत तो नहीं आ सकती बिट्टी बाप की है अभी तो अब मुझे क्या करना है इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर है ये देखो LHS की आयत की LHS है 2 अपॉन 3 10 की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 बाई 9 10 की पावर n माइनस 1 ठीक भाई इसमें क्या आ जाएगा होल के 4 बाई 9 10 की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 बाई 9 10 की पावर n माइनस 1 ठीक 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 इसे कॉमन ले लूंगा क्या आ जाएगा यो 4 10 की पावर n माइनस 1 4 क्या आएगा प्लस 4 बाई 9 भी कॉमन लो लो भाई इन्होंने मेरा और आसान कर दिया यही परेशान हो रहा था जैसे हुआ क्या है नहीं क्या आसान कर दिया नहीं ये कितना आसान कर दिया इन्होंने अब तो हो गया बस क्या आ गया 4 बाई 9 10 की पावर n माइनस 1 ये क्या आ जाएगा यहाँ से 10 की पावर n प्लस 1 इसका क्या जाएगा हाँ स्क्वायर नहीं है ठीक है तो क्या जाएगा दिक्कत तो नहीं हो ज्यादा फोर का कुछ नहीं आता कुछ भी याद देखो 4 बाई 9 ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये नहीं रखी आ रही आसान था मुश्किल तो नहीं था अब हो गया आसान इतना आसान सवाल था मुख्य ज्यादा है देखने में भारी था लग रहा था अजीब सही सवाल है थोड़ा से आगे बढ़ाते हैं
ये तो समझ में आ गया होगा, स्क्वायर लेगा कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इसका। देखो अगरला क्या टूट गया है, HP GP कुछ समय आया भाई, थोड़ा ठीक ठाक तो आ गया, AP भी समय आ गया, अब तो इसको जो कराते होंगे कर लेते होंगे इजीली कि भाई हो जाए, इजीली दिक्कत तो नहीं आती कि भाई तुम्हारे सारी दिक्कत देखो जी HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP क्या होता है, इफ A1 A2 आर A3 अप टू AN इज कॉल्ड ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ देयर रेसिप्रोकल, इफ देयर रेसिप्रोकल इज मींस 1/A1 1/A2 1/A3 अप टू 1/AN आर इन ए, क्या कहा सकते मैंने क्या कहा, हाँ हाँ ये हारमोनी की एक पी का उल्टा है, ये का उल्टा है बस, ठीक। देखो क्या कहा मैंने, अगर मान लिया A1 A2 एक कोई गिवन सीरीज है, ये हारमोनिक सीरीज हारमोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, इफ देर यानी 1/A1 1/A2 1/3 टू 1/AN आर इन AP। अच्छा अगर मान लिया AP है, AP का फर्स्ट टर्म कितना है, ए कॉमन डिफरेंस क्या था डी, तो हार्मोनिक सीरीज क्या आ जाएगी, आ जाएगी यहां तो बात सुनने से नहीं आर इन देखो अगर ये देखो अगर ये AP में है, कैम है ये तो इसका उल्टा कैम होगा HP, तो AP ही HP का उल्टा है, यहाँ तो बात नहीं होगी। अगर मान लिया तीन नंबर हैं ये ABC आर इन AP, ABC आर इन तो 1/A 1/B 1/C आर इन HP होंगे, होंगे नहीं, ठीक। अगर मैं ये कह दूं 1/A 1/B 1/C कहना है HP में, तो ये क्या आ जाएगा इसमें, तो 2/B इज इक्वल टू 1/A 1+1/C। अगर मान लिया ABC कैम हो HP में हो, ABC कैम हो, अगर मान लिया उसका उल्टा कर दूं मैं, ABC कैम हो ये HP में हो, तो ABC A ये कैम आ जाएंगे AP में, जब ये AP में होगा तो क्या आ जाएगा 2B इक्वल टू A+C, बताया था मैंने अर्थमेटिक मीन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनका LCM, ये आ जाएगा AC LCM A+C 2/B इक्वल टू A+C अपॉन AC, इसे क्या कर दूंगा रिवर्स कर दूं, तो क्या जाएगा B/2 इक्वल टू A+C अपॉन बोलो AC नहीं पड़ जा रहा है, ये उल्टा ही पड़ जा रहा है, देख रहे तू
देख रहे ठीक बी अपॉन टू इक्वल टू, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं, ठीक चल रहा है। अच्छा अब तो दिख गया कहाँ से निकला डायरेक्ट। हाँ बी इक्वल टू टू इंटू ए सी अपॉन ए प्लस सी, ये हार्मोनिक मीन अगर दो नंबर हैं तो क्या आएगा टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ठीक अर्थमेटिक मीन का आएगा क्या आएगा देखो, अगर मान लिया ए बी सी एच पी में है तीनों नंबर तो इनका उल्टा कैम आ जाएगा ए पी में। अगर ए बी सी ए पी में, ये मैंने बता रखा क्या जाता है अभी नहीं बात, तो वन अपॉन ए भाई ये आता है टू अपॉन क्या जाएगा टू अपॉन बी इक्वल टू वन प्लस ए प्लस सी, इनका एलसीएम ले लिया फिर सोल्व करा ए क्यू फॉर्मूला आ गया। तो जो उनका अगर मान लिया दो नंबर है उनका जो जोमेट्री एच पी होगा हार्मोनिक प्रोग्रेस, हार्मोनिक क्या होगा मीन क्या होगा एच एम क्या होगा टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ठीक और उनका स्क्वायर रूट वो था ज्योमेट्रिक मीन, और वो क्या था अर्थमेटिक मीन ए प्लस सी बाई ये तो था क्या कह रहे लिख लिया होगा, मुझे लिखा नहीं अभी भूल गया क्या लिखा लिखूंगा देखो भाई क्या है अगर कोई द एन एच टर्म कोई ए कोई एच पी है कोई है कोई सीरीज है एन एच टर्म ऑफ जो इसका रेसिप्रोकल होगा जो इसका कोरस्पोंडिंग रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा ए टू होगा, ये तो बता रहे हैं भाई ठीक बता देते हो द लिखेंगे द एन एच टर्म ऑफ एन एच ए एच पी लिखो द एन एच टर्म ऑफ एच पी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ एन एच टर्म ऑफ द कोरस्पोंडिंग एपी इज इक्वल टू द क्या द एन एथ क्रम ऑफ एच पी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ द एपी ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ देखो अगर मान लिया कोई सीरीज है एक सीरीज है एक सीरीज का लेट ए इज द फर्स्ट टर्म लेट ही गेट इन ए ए इज द फर्स्ट टर्म लेट ए इज द लेट ए इज द फर्स्ट टर्म ए क्या है इसकी फर्स्ट टर्म है डी क्या है इसका कॉमन डिफरेंस है डी क्या है इसका कॉमन डिफरेंस है क्या है मैं ए पी का क्या कह रहे हो
इन ए पी, तुमने पढ़ी रखा बुढ़े हो गए पढ़ते हुए हैं, देन द एनथ टर्म ऑफ एच पी क्या होगी, एनथ टर्म ऑफ एच पी क्या होगी, वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये होगी, क्या है एनथ टर्म ऑफ एच पी, द एनथ टर्म ऑफ एच पी क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी वन अपॉन में, ये तो बताया थी मैंने, ये भी राम के साथ बता रहे हैं कि उसका रेसिप्रोकल होता है, ये तो ए पी का क्या होती है एनएच टर्मी होगी, ये नहीं होगी एच पी की होगी, एन एनएच होगी तो एनएच भी टर्मी टी एन ई होगी, वन पॉइंट टी एन थोड़ी होगी, होगी तो एन कंडीशन दे रखी है a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स ए माइनस वाई इक्वल टू क्यू वाई इक्वल टू है, सवाल तो सुनिम आ गया होगा, ये सवाल नहीं सुनिम आया, अच्छा अब ये दे रखा है, क्या मैंने दे रखा है, देखो गिवन है ये, क्या गिवन है भाई, सॉल्यूशन है इसका, चलो सॉल्यूशन पहली बार लिख रहे हैं, सॉल्यूशन है इसका क्या है, a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स को मान लें लैम्डा मान लें, दिक्कत तो नहीं आई होगी, या आ गई, तो इधर से क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा पी एक्स, ठीक भाई, p इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस एक्स अपॉन, बोलो दिक्कत तो नहीं है, अच्छा यहाँ पे सिमिलरली q कितना आ जाएगा वैल्यू, सिमिलरली लिख के लिख लेंगे, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार डायरेक्ट q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, क्या आ जाएगी, ए माइनस वाई अपॉन, शाबाश ठीक है, यहाँ से आ गया माइनस में आ रहा, तो शुजा बैठे और किसकी वैल्यू, आर की, आर ही क्या आ जाएगी, नशा करो मैं ही तो हंस सकूँ भाई, ए माइनस डेड अपॉन लैम्डा डेड क्या आ गया, ए माइनस डेड अपॉन लैम्डा डेड, ठीक है, क्या है अभी ये पी क्यू आर क्या है ये ए पी में, गिविन दैट है पी क्यू आर इन ए पी, पी क्यू आर इन ए पी गिविन दैट है भाई, अगर ये पी क्यू आर इन ए पी है तो उसकी वैल्यू भी रख दो, ये भी ए पी में होगी, दिक्कत तो नहीं कुछ, ये कह रहे हैं भाई लिख दो भाई, मैं कह रहा हूँ ये कह रहे हैं लिख दो, ये जिम्मेदार है नहीं, क्या कह रहे हैं तुम भी हो,
तुम भी हो, चलो तुम भी हो, ठीक इन ए पी है। देखो भाई अब क्या है, ये लैम्डा नीचे है, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दू, ये बता रखा इन ए पी, ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सबट्रैक्ट और एडिशन किसी भी नंबर से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बताया था है ना। तो क्या आ जाएगा ये डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई अल्फा एल लैम्डा से क्या आ जाएगा बोल लो, हाँ बोल लो इस तरह ही आगे आर इन, इसे क्या कर सकता हूँ ए एक्स अपॉन माइनस वन ए वाई माइनस के वन ए जेड अपॉन माइनस वन आर इन है भाई, ये मेरी दिक्कत आई, दिक्कत है इन तीनों में क्या कर दूंगा, एक तक प्रेस कर दूं, दिक्कत है अभी ये फालतू बेकार से नहीं लग रहा है, बेकार को तो हर कोई फेंक रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा प्लस करके क्या आ गया एक्स ए पोन वाई ए पोन जेड आर इन ए पी है भाई। अच्छा अब क्या आ गया ये ए, क्या करना है मुझे, अच्छा ये करना, ये ए भी फालतू लग रहा है, वन अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर क्या आ जाएगा वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड आर इन ए पी और वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड आर इन ए पी, जब से सुबह से ये रुक के दे रहा हूँ एक साथ, तो एक्स वाई जेड कैम होंगे, देखिए कैसा दुश्चिंता है, बढ़िया था, कैसा था, बढ़िया था, अच्छी बात है, बढ़िया लगना चाहिए नहीं। If limitos ऐसा मैथ्स का वो भी देखा टीचर प्रोफेसर जो भी देखो जो थे क्वेश्चन भी याद हों सारे देखे बिल्कुल, तो सामने स्क्रीन लगी हो वो तो हाँ यूट्यूब पे लाइव ही तो, अरे जैसे वो है ना वो स्क्रीन लगी वो सामने उनके, वो जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ ना वो घर में जो रिकॉर्डिंग होती है सामने वो चलती रहे स्क्रीन उनके,
समझ गए, जिसको नेता है ना, नेता जी है पर्चे हाथ में लेकर पढ़ाए भाषण, वो जो ट्रॉम्प होता है वो जिस पर उसको लिखा रखता रहे। हम यूँ कहते देखो भाई यूँ करना, भाई भाई यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे, यूँ यूँ नहीं कहता हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम बच्चे है ऐसा थोड़ी लगा। अरे क्वेश्चन तो अभी मैं देख के गलती हो जाए, स्क्वायर लगाना है, ध्यान है जल्दी जल्दी में कहीं स्क्वायर लग जा कहीं हट जाए। देखो ऐसा है ना कि वही है फिजिक्स केमिस्ट्री और जिसने बायोलॉजी में एक डायग्राम बना के उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब यहाँ हर बार एक नया क्वेश्चन देना पड़ा छोटा सा एकदम, ठीक नहीं है। लिखो इफ एम प्लस वन एस टर्म एन प्लस वन टर्म एंड आर प्लस वन विद टर्म्स, ठीक, ऑफ एन ए पी ऑफ एन ए पी ऑफ एन आर इन जी पी आर इन जी पी आर इन जी पी एंड एम एन आर इन एच पी एंड एम एन आर इन एच पी एंड एम एन आर इन एच पी देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ कॉमन डिफरेंस देन फाइंड द कॉमन वैल्यू देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म क्या भाई क्वेश्चन सिनेमा आ गया क्वेश्चन डी वाई है। देखो क्या है एम प्लस एनविट्रम एन प्लस एनविट्रम और आर प्लस एनविट्रम ऑफ एन ए पी आर इन जी पी, ये कोई ए पी की सीरीज है, इनकी इनविट्रम कैम है जी पी में, ठीक। और क्या कह रहा है ये एम एन आर क्या है एच पी में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म, ये कोने है लिखिए तुम क्या क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म। किसकी बात है शुरू में ए पी आते ए पी की जिक्र हो रहा होगा, ये तो हो रहा होगा है बेटे, रेशो क्या हो रेशो कहाँ लिखी जा बोला नहीं मैंने क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशो बिटवीन कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म या फाइंड द वैल्यू डी अपॉन ए चाहे ये लिखा। अब तो सवाल सुनवा गया होगा या भी नहीं आया। देखो क्या है कह रहा अगर ये गिवन ए पी में है तो इसका फर्स्ट टर्म डी चाहिए मुझे, तो टर्म्स की वैल्यू दे ही रखी लेट, यहाँ से आंसर आ गया लेट फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, हाँ तो बात नहीं आ गई। और ये टी एम प्लस वन की वैल्यू आ गई, क्या आ गई टी एम प्लस वन की वैल्यू ए प्लस एम प्लस वन माइनस वन इंटू डी, क्या जाएगी ए प्लस एम डी, क्या आ गई ए प्लस एम डी, फोन तो नहीं करता रहे हैं। टी एन प्लस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए प्लस एम डी और टी आर प्लस वन देख कर भाई कोई नई बात नहीं है, दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक के। अच्छा अब क्या कह रहा है भाई चांद कि ये दोनों जो है ये तीनों कैम है जी पी में है, तो फिर कह रहा द टर्म्स ऑफ एन ए पी आर इन जी पी, इनकी ये टर्म कैम है जी पी, हो गया भाई कोई सीरीज बड़ी सी दे रखी हो उसकी तीन टर्म बाई चांस जी पी में हो जाए, हो नहीं सकती, नई बात तो नहीं करी ने मतलब डराने वाली बात। लिखेंगे क्या लिखेंगे ये ए एम प्लस एम डी ए प्लस एन डी
ए प्लस आर डी आर इन ये सारी क्या में है ये सारी जीपी में है तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर ए बी सी अगर जीपी में है तो क्या आता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बोलते रहो भाई तो क्या आ जाएगा ए प्लस एन डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक वैल्यू कितनी है ए प्लस एम डी और ये क्या आ जाएगा ए प्लस आर डी मैंने से चौकियाँ करवा देते हैं ठीक है आई बात नहीं आई नहीं अरे भाई अगर ए बी सी जी पी में हो तो क्या हो जा बी स्क्वायर बराबर ए सी हो नहीं बी हो नहीं रखा अभी नहीं बात अभी से खोल लेंगे क्या आ जाएगा इधर क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए आर डी प्लस एम ए एम डी प्लस एम आर का स्क्वायर से कैंसिल ये भाई दावत कर दी इसकी है और भी दावत वो की थी और तीन दावत दावत वाला बचरा कोई बची रहा बचरा ये देखो अब जी जगह तुम्हें दावत वाला तुमने ध्यान ही नहीं दिया दावत हुई है क्या बचा नहीं बचा नहीं अभी ये इसमें से डी डी कॉमन ले लो डी दोनों में क्या कर दो सबको डिवाइड कर दो डिवाइड करके क्या आ जाएगा एन स्क्वायर डी प्लस टू ए एन इक्वल टू ए आर ए एम एम आर आई बात सुनो अभी नहीं थी अभी नहीं बात सुनो अब देखो इसे डी का यार दोस्त ही रखा जा भाई तीसरा जा दिक्कत तो नहीं आई बोलो भाई अरे एक इसे इधर ले आऊंगा मैं ठीक नहीं है आई नहीं बात नहीं इसको जो है इसके पास जब मैं यार ये रखा जाए भाई तू मेरे पास है क्या जाएगा एन स्क्वायर डी माइनस एम आर डी इज इक्वल टू ए आर प्लस ए एम माइनस के टू ए एन अभी नहीं बात नहीं इन दोनों में क्या को मैंने फिर डी इज इक्वल टू डी क्या जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम आर इज इक्वल टू ए कॉमन ले क्या जाएगा आर प्लस एम माइनस टू ए एन है बाबू जी क्या कह रहे हैं ए कॉमन ले लिया इन्हें नहीं पता है तुम्हें पता लगा ये आ गया ठीक है कोई दिक्कत ठीक है यहाँ तक की कोई दिक्कत उन्होंने कहा कह रहे तो अभी उसके डी अपोन आ गया क्या आ गया डी अपोन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर प्लस एम माइनस टू एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस की एम आर कुछ बनाओ सवाल से हैं तो लगा कुछ हो जाएगा ठीक है नहीं सोचे तो हो ही ना ठीक है आज में देखो भाई लेकिन यहाँ देखिए तो बात नहीं होगी दिक्कत तो नहीं लेकिन भाई साहब एक और बात कह रहे जो हम भूल गए थे एम एन आर इन एच पी क्या कह रहे भाई साहब ये अगर एम एन आर कह में एच पी में डी देर का नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला बता अभी बताया था मैंने टू ए सी अपॉन ए प्लस सी तो क्या आ जाएगा टू एम आर अपॉन एम प्लस आर है बाबू जी दिक्कत नहीं आई दिक्कत नहीं आई अच्छा बाबू जी यहाँ से एम प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई 2mr अपॉन n आ जाएगी आ जाएगी देखो r प्लस एम यू रखी देखो ये रे भाई साहब ये रे r प्लस एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोल लो 2mr अपॉन n माइनस 2n हां भाई साहब नीचे क्या आ जाएगा
एन स्क्वायर जुकत हूँ माइनस एम आर, एम आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एम आर की वैल्यू आ जाएगी टू एन एम प्लस एन आर अपॉन टू। एम आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या जाएगी बोल लो, अरे छोड़ दे छोड़ दे तू ले यहाँ तक के बात नहीं आ गया। देख n की क्या आ जाएगी, n की क्या आ जाएगा यहाँ से टू एन स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बोल लो, बोल बोल दे टू एम आर माइनस टू एन का स्क्वायर अपॉन n अपॉन एन स्क्वायर माइनस के एम आर। ऊपर से क्या कॉमन ले लिया, टू कॉमन ले लिया, क्या जाएगा टू कॉमन ले गया एम आर माइनस के एन स्क्वायर अपॉन एन, क्या कह रहे ओए ओए देखो ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ क्या का फर्क है इसमें, क्या का फर्क है, ये क्या का फर्क है, ये तो माइनस वन दोनों में से काट दूंगा, तो माइनस टू अपॉन एन माइनस के, यहाँ की मजाक उड़ा रही है आपकी माइनस के टू वाई एन आ गया, दिक्कत तो नहीं भाई है, अच्छा सवाल था बहुत लंबा था घुमा फिर आ गए, अब तो आ गया क्वेश्चन में, चाहिए अच्छा सर लो सर
देखो भाई क्वेश्चन क्या है, लेट एमेट टर्म ऑफ एच पी इज एन, लेट एमेट टर्म ऑफ एच पी इज एन एंड एनएस टर्म ऑफ एच पी इज एम इफ, अगर ऐसा हो, अगर या लेट कह दे या इफ कह दे एक ही बात है, देन प्रूव दैट द, अच्छा ये वहां आ गया, द आर टर्म ऑफ विल बी एन एम एन अपॉन आर, द आर टर्म क्या होगी वन अपॉन आर होगी, ठीक है। मान लिया कोई है भाई, कोई मान लिया फर्स्ट टर्म कितना है ए, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया डी, तो एम एस टर्म का फॉर्मूला क्या आ जाएगा एच पी में, तो सीरीज तो वैसे ही होगी फिर, तो एच पी में इस तरह की नहीं सीरीज होगी भाई, या और तरह की होगी है जी, यही तो होगी, और इसकी कितनी होगी वैल्यू, वन अपॉन ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी एम एस टर्म, कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, कितनी है एन है, इसका उल्टा कर दूंगा क्या जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू बी इक्वल टू वन बाई फर्स्ट इक्वेशन, और इस तरह क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई भाई, दोनों को सोल्व कर दूंगा, दोनों क्या कर दूंगा इसके इसी में क्या कर दूं माइनस कर दूं, माइनस करके क्या आ जाएगा बोल लो, कॉपी पे लिख लिया थोड़ा सा डायरेक्ट आसानी लाग रही है, थोड़ा सा बताओ क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ क्या आ गया, माइनस करके क्या आ गया क्या आ गया भाई, देखो इसमें ये जागे डी, देख डी दोनों ने कॉमन ले लूंगा, एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन इंटू वन अपॉन एन माइनस के वन अपॉन एम, बोलो ये आ जाएगा नहीं, वन से वन कह रही, ये तो कह रहे हैं आप काटने के लिए, एम माइनस एन इज इक्वल टू एम एन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, ये एम माइनस एन और b इज इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन एम एन इंटू वन अपॉन एम माइनस एन, इससे जाएगा ये क्या आ गया, डी इज इक्वल टू डी की वैल्यू कहाँ रख दूंगा मैं फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगी बाई फर्स्ट क्या आ जाएगा वन अपॉन एम एन प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन, एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन माइनस के वन अपॉन एम एन है भाई साहब, अरे डी की आई तुमने लिया कुछ नहीं यार, तुम्हें टाइम पर नहीं बोलते हैं, चलो भाई क्या आ जाएगी डी की वैल्यू रख के क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई रखी तुमने, रखी या वैसी या पढ़ रखी, किताब में देखा था, चल भाई ये तो बता दो इन्होंने देखा नहीं, एन माइनस एम माइनस वन अपॉन एम एन, ये तो आ जाएगी भाई, ये कुछ और आएगी, तो आगे क्या आएगा, ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोल लो, क्या आ गई एम एम एन स्क्वायर माइनस एम माइनस वन अपॉन एम एन, जो आ गई हमारे पास से एक क्या आ गई कुछ भी नहीं, एक एम ही गलत हो गए, चलो जो भी है कुछ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं रही, इतना बड़ा मैटर नहीं है, प्लस माइनस में एक गलती हुई कर लेंगे, ठीक है, मतलब एक वैल्यू इस तरह नहीं, डी की वैल्यू, अब पूछ क्या रहा हो, द आर एफ टर्म, द
आर एट टर्म की वैल्यू क्या होगी, ए ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू पता और डी की वैल्यू पता, इन्हें सोल्व करके आ जाएगा घंटे घर बैठ के, कोई ज़्यादा बड़ा मैटर तो नहीं आया तुम्हारा, बोलो भाई पहले कहीं माइनस प्लस देख ले, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा मैटर तो नहीं है वो, बस सिंपल सेट ये होगा, यानी कि जो दे रखे ना एम एन एन टर्म से, यानी सोल्व करके इन दोनों से पहले क्या वैल्यू निकालनी है, ए और डी की निकालनी, फिर ए और डी की वैल्यू पुट कर देनी, सीधा सा फॉर्म लिया भाई, बात तो तुम्हारी भी सही है यार, है हैं, बात तो तुम्हारी भी सही है, अपन अपन एम नहीं आ रहे हैं, रटा रटा फॉर्म ला, गलती कहाँ कर दी मैंने, देख भाई ये a प्लस एम माइनस एन डी की वैल्यू कितनी है, और हमने क्या लिख रखी वहाँ, तुम्हारे भी ध्यान नहीं गया सब क्या, जो उल्टा सीधा खेल गया, मैं ये तो कह रहा था इतना बड़ा मैटर नहीं है यार ये, खेल ठीक नहीं है, इतना बड़ा मैटर नहीं है ये, खेल अब तो खुश हो भाई, देखिए अब तो आ गए नहीं भाई वही वाली, अब तो दिखेंगे तो जब भी कह रहा था कि भाई कहीं गलती हो गई देख लो, भाई ऐसी गलती माफ हो जाए, होती नहीं मेरी तो हो जाएगी कम से कम, है तुम्हारी नहीं होनी हो, तुम्हें भी ध्यान नहीं दिया भाई, देखो ये क्या है, ये समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा, क्या निकालना है, हो गया ठीक था, रटाई रटाई इतनी बात थी बस करते हो, इतना तो कुछ भी कर लो यार, नहीं तो इतना नहीं, गलत नहीं पढ़ाना भाई, मतलब थोड़ा हो जाए यार ये गलती, मगर जैसे वो अपोन एन की है तो, यानी अगर ये भी नहीं पढ़ सकते तुम तो बेकार है, तो पहले कई बार कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ भाई माइनस प्लस अगर कहीं होगी लिखा हो गया हो ना, जैसे अगर टेन माइनस सेवन की जगह 17 लिख दिया हो तो देख लो, मतलब फ्री आना चाहिए ना, पर चुप पता ही हो जाए ऐसी गलतियाँ भाई, चलो कोई बात नहीं करने तो ये भी देख लेंगे, चलो देखो भाई आगे आगे पढ़ेंगे आप, रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम, मैंने ए एम और जी एम में बताई थी क्या रिलेशन बताई थी, ए इज ग्रेटर देन जी, मुझे याद होगा, अब ये तीन चीज आ गए, तीन नंबर क्या रिलेशन होगा भाई, मान लिया कोई दो नंबर है ए और बी, ए और तो इसका क्या आ जाएगा, ए एम क्या जाएगा, ए इक्वल टू ए क्या जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, जी कितना जाएगा, और एच कितना जाएगा, ठीक है भाई दिक्कत तो नहीं या कोई दिक्कत आई,
अच्छा मैं ए मल्टीप्लाई एच करना चाहूँ, कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? जी तो चाहिए जा भाई, जी चला मेरा। ए की वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी बाई टू इंटू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, इस टू से टू जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया? और ए बी की वैल्यू कितनी है? जी स्क्वायर है। तो क्या वैल्यू होगी इसकी? यानी ए द मल्टीपल ऑफ ए एंड एच, अरिथमेटिक मीन एंड मीन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। आज भी नहीं पास होंगे कार्ड पे, तो आने से नहीं, तो आगे बढ़ाऊँ। अच्छा इधर है, बढ़े नहीं इधर जो अपनी गुरुवत में ढेरी आ गई। ढेर इमरजेंसी हो तो हैं, अच्छा नहीं लगता है, जैसे जिंदगी का हिस्सा बन गया है, बनेगा नहीं क्या? अगर किसी को 5 दिन रोटी ना दो, नहीं बेटा चलेगा घर में, कोई दिक्कत लड़ाई नहीं, अगर उसे 5 दिन मोबाइल छीन लो जाएगा, कुछ निकाल इतने बेकार हैं, ऐसा ही नहीं हो गया। छोटे छोटे बच्चे जो है घर में बगैर मोबाइल के वो खाना ही नहीं खाते, मोबाइल देखेंगे तो खाना खाएंगे, खाने नहीं खाते हैं, ऐसा ही नहीं है। अब बड़ों को तो ढेर बुरा हाल है। देखो भाई ए क्या, ए माइनस जी की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू माइनस जी की वैल्यू कितनी है? ए बी है भाई, दिक्कत तो नहीं, मान दे दिक्कत तो नहीं भाई। इसका क्या आएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर अपॉन टू माइनस के टू रूट ए बी। ठीक, मैं तुम्हें बात बताऊँ, देखो ये पीछे क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ? ये वाइफ कैमरे हैं, पकड़ते नहीं आए। ये तो अभी आप सुबह की बात है, अभी मैं देख रहा था ना एक लड़की, इससे जो पहले तुम्हारे साथ होता है ना, वो लेक्चर कहें का था अभी का, तो उसमें लगातार चैटिंग कर रही थी फ़ोन पे, लगा उसको कैमरे में अभी दिख गया वो, तो उसको इससे एक दिन पहले वो पकड़ी गई थी कि आपने क्या करा, कॉपी में कुछ लिखा नहीं था, वो तो लगातार चल रही थी, तो सोच रही थी देखे ना बीच में बैठे वहाँ पर चल रहा था, ऐसा नहीं करा था, इसीलिए जो है ये कैमरे भी देखते हैं, कुछ करने से पहले। ठीक, तो क्या रूट ए का स्क्वायर, ये बी को रूट बी का स्क्वायर कर दूं, माइनस टू रूट ए बी, ये क्या का फॉर्मूला बन जाएगा? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन। अच्छा दिक्कत तो नहीं है भाई यहाँ तक की कुछ करने में? अच्छा एक बात हो, थोड़ी बताओ, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? ये सारा पॉजिटिव होगा, क्यों? किसी भी चीज़ का स्क्वायर क्या होता है? और टू भी पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव को डिवाइड करें क्या होगा? ठीक, इसका मतलब ए, अगर ए माइनस जी को करके पॉजिटिव आ गया तो बड़ा कौन सा है? ए इज ग्रेटर देन जी, तो मुझे पहले भी पता कि नहीं बात बताई है नहीं, लेकिन आइए थोड़ा तो और देख ले भाई, ये कहाँ से जा रही है, हो गया ये तो हो गया, तो में लगे थे। अब अगर मैं यूँ कहूँ जी माइनस एच, अब क्या निकाल लूँ मैं? जी माइनस एच, जी माइनस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? जी की वैल्यू कितनी है? रूट ए बी माइनस ए प्लस बी अपॉन। अच्छा ये है, दिख रहा तुम्हें? चलो क्या आ गया?
टू ए बी अपॉन बोलो ए प्लस बी, क्या जाएगा यू? ये क्या जाएगा करो से क्या? हाँ कर तो ले, देख भाई ये आ गया होगा रूट ए बी माइनस के टू ए बी अपॉन ए प्लस बी करने को होगा। मैंने तुम्हारे पास पता नहीं ये तो आ रही है, तो आने बैठ के चली थी। सर ये तो हम क्या जाएगा बताओ आगे क्या आ गया? आगे नहीं करा मेरे को, अब क्या है आगे? आगे किस तरह होगा? आगे इतना तो लिख लिया होगा, आगे क्या होगा? इनमें से रूट ए बी कॉमन ले लूं, ले लो हाँ नहीं रूट ए बी कॉमन तो ले लो, पहले देखते हैं फिर क्या होगा, फिलहाल तो ले लो रूट ए बी कॉमन लेकर क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। जैसा बोलते ऐसी बात हुई कि एक आदमी के पास घर किसान के कुछ ऐसा हुआ, छः महीने का पुराने टाइम की बात है, छः महीने का राशन पैदा हुआ और मेरा बड़ा परेशान फिर रहा और भाई क्या होगा मैं तो मर जाऊँगा, और छः महीने का राशन है साथ पूरा। तो एक महात्मा जी बैठे थे, उन्होंने कहा यार उससे जाके सलाह लूँ, तो उसने कहा भाई अजी आ जाओ, उन्होंने भाई मैं हूँ जी आ जाओ बैठे खाना खा रहे, खाना खा रहे थे बेचारे अपनी थाली मतलब उन्हें भी कुछ खाने को दे रहे जैसे भाई कोई चला जाए। तो उसने कहा जी महात्मा जी मैं बड़ा परेशान हूँ और मेरे पास छः महीने का फसल हुई खाने के लिए सवाल पूरा बच्चा भाई यूँ परेशान है, क्योंकि जो मैंने खाना खाया ना मेरे पास यही था बस, अब शाम का मुझे पता नहीं कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा जी बस ठीक है, तो वो छः महीने में बहुत ठीक है। तो मैंने कहा पहले ये तो कॉमन ले लो, बाद ही बात है, छः महीने पे बाद होंगे आगे बात। तो भाई वो एकदम चला गया, उन्होंने कहा जी ठीक है मेरे पास तो छः महीने का, तुम अभी है शाम को नहीं पता है कहाँ से, मैं खुश हूँ अब तुझे भी खिला देगी तुम्हें भी। पहले ऐसे थे भाई क्या आदमी, ठीक है वो तो अब हो गए कि पड़ोसी को मार लो छीन लो। ए का क्या आ जाएगा रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू रूट ए बी है, क्या आएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ठीक। अच्छा ये कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव होगी भाई, पॉजिटिव होगी। तो क्या आ जाएगा इट इम्प्लाइज दैट जी इज ग्रेटर देन एच, तो क्या आ गया रिजल्ट ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच, ठीक। अगर कहीं कंडीशन ऐसी आ जाए कैसी, इफ ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच, तीनों क्या आ जाए इफ ग्रेटर है भाई इक्वल है, यू नहीं आया ये तो नीचे तलवार ही करती है। If A is greater than G is greater than H, कब होंगे? Then A is equal to B. Then A is equal to B. Then A is equal to B. अगर A is equal to B की वैल्यू है, उसकी छुपी हुई है। A is equal to क्या गया? B. लिख तो लो यार, देखेंगे आधा सवाल और ये आधा नहीं करते वो हैं। हाँ कल भी उन्होंने तो लंबी करी है, कल भी 95 मिनट की है। तो इन्हीं क्या रिलेशन आ गई बैठते, एक तो फॉर्मूला क्या बना जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, एक क्या बना ए इज ग्रेटर देन जी इज इक्वल टू देन एच, एक इफ इफ A is equal to G is equal to H, only one opportunity, then A is equal to B. ये तीन रिजल्ट याद कर लिया, कहीं भी काम हो जाएंगे, ठीक है भाई। डायरेक्ट आ जाते हैं रिजल्ट में। कुछ सवाल फूल देने भाई तुम्हारा आज,
सवाल कुछ है आपका? कोई कुछ नया लिख दिया है? दूध लिखो इफ एफ एन बराबर जाना आएगा तुम्हें बस एक सवाल ये वैसे ही बता रहा हूँ घर जा कर लो मैं लिख दे तुमने मुझसे बना जो लिखा मैंने देख रहा था मैंने कहा चल भाई जैसे कटाई नहीं खा लिया नहीं है देखी चलो इफ एफ एन इक्वल टू 1/2 1/3 1/4 मैं तुम्हें देख रहा था चलो इक्वल टू 1/n n belongs to n तुम क्या कर रहे हो भाई वो मेरी इनकी बात है भाई तुम क्या कर रहे हैं वो है ना वो मुझे तो राजा बाबू की है कल राजा बाबू हंस रहे तू क्यों हंस रहा भाई ये देखी मूवी देखने जाना है तो ऐसा थोड़ा ही है बस तुम ना हंसते देखो ये है क्या है देखो देखो भाई एस एन इज इक्वल टू 1 + 1/2 1/3 1/n अप टू n belongs to n then find the value of f1 + h2 + f3 + up to fn-1 या तो ये कह दे या क्या कह दे then prove that या तो ये कह दे या कह दे इसकी वैल्यू प्रूव करवा सकता है वो n f n माइनस वन या तो इसकी वैल्यू प्रूव करवा दे क्या प्रूव करवा दे वो n f n माइनस वन वन नहीं ना भी एन नहीं कह रहा है अभी क्या कह रहा है n या प्रूव करवा दे n f n माइनस वन माइनस n प्लस वन ये क्या कहा बैठते हैं देखो भाई ये क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है ये देखो ये है एफ एन इज इक्वल टू 1 + 1/2 1/3 1/4 1/5 1/n ये n है नेचुरल नंबर ठीक 1 2 3 ये इनके इनकी वैल्यू निकालनी है सम ऑफ f1 + f2 + f3 up to fn-1 f1 क्या है सम ऑफ फर्स्ट टर्म h2 नंबर ऑफ सेकंड टर्म टू टर्म्स का F3 नंबर ऑफ F4 n-1 टर्म का इनका सम निकालना इनमें से आएगा या तो प्रूव निकाल दिया ठीक है इसे घर से कर लाएंगे आज के लिए इतना ही है ठीक है भाई बेस्ट ऑफ लक थैंक यू